राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 48 घंटे से कम का समय रह गया है और ऐसे में फूलों की सजावट से राम के परिसर को सजाया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, राम परिसर के इस प्रांगण की जो पथ है वो पूरी तरीके से पुष्पों से आज सजा हुआ नजर आता है और ये तस्वीर आपको आज से अब अनवरत दिखाई देगी आने वाले 3-4 दिनों तक, जब तक ये पूरी तरीके से कार्यक्रम होगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा का घेरा भी मजबूत किया गया है। ठीक आपके सामने ये आपको जो है ई वैंस दिखाई देंगी, इसके जरिए जो VVIPs हैं वो जा सकेंगे दर्शन के लिए, ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सजावट अगर आप देखें तो आपको दूर दूर तक यहाँ पर जो है गेंदे की फूलों की खुद आपको एक खूबसूरत सजावट दिखाई देगी और दूर दूर तक जो है आज ये सजावट दिखाई दे रही है। प्रतिबंध लगाया गया है दर्शनार्थियों पर आज, क्योंकि रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है और यही कारण है कि आज के दिन जो है दर्शन आने वाले 2 दिन तक यानी 22 तारीख के बाद ही हो सकेंगे और इसीलिए जो आज ये प्रतिबंध नजर आता है। लेकिन जो सजावट है, जो फूलों की सजावट है, वो आपको दूर दूर तक दिखाई देगी। जिस तरीके से तैयारी की जा रही है और इस तैयारी के साथ में अब राम लला के आवाहन का समय हो गया और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसके साथ में ये तस्वीर और भी सुंदर नजर आएगी। अयोध्या वासी जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है और राम परिसर की सजावट जोरों से नजर आती है। अयोध्या से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा आज तक।